बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि सुनंदा के गर्भ से वत्सपरी के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। तो ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे, योद्धा थे, बड़े संग्राम में विजय प्राप्त करते थे हमेशा। तो इनमें महापराक्रमी जो है वो प्रांशु ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े थे, और इसलिए वे ही राजा बने। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया, अर्थात बहुत सा धन वैसे ही छोड़ दिया, और अधिक होने के कारण उस धन को साथ नहीं लेकर के जा सके, इसलिए छोड़ा। और वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे कि इस पृथ्वी का जो वसुंधरा नाम है, धन धारण करने वाली, वसुंधरा अर्थात धन धारण करने वाली, ये नाम सार्थक हुआ। तो वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति, अपने सगे पुत्रों की तरह भली भांति पालन करते थे, और उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता इकट्ठा होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है कितने लाख। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे, प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए, और उनमें सबसे बड़े खनित्र जो हैं वो राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। तो खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, डींग न हांकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, खुश रहें, कोई दुखी ना हो, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हो, किसी भी प्राणी की कोई व्याधि, किसी भी प्राणी को कोई बीमारी, व्याधि अर्थात बीमारी एवं मानसिक व्यथा भी न हो, मानसिक भी दुख ना हो। तो समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हो, मित्र भाव रखे, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोगों सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो, ऐसा वो कहते हैं। तुम जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित करते हो, उसी प्रकार बाकी सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव रखो, वह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। ये बात जो है, यह बात तुम्हारे सबके भले की है, क्योंकि कौन किसका अपराध करता है। यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। तो लोगों, यह विचार करके सबके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो,
तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का ही भागी बने, उसका भी कल्याण ही हो, कल्याण का भागी बने वो भी। कितने सुंदर विचार राजा के, ये संतों के, सज्जनों के विचार हैं। इतना सज्जन वो राजा था। और राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे थे, वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त किया। तो स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। तो उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते थे। उक्त चारों राजा जो है अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र जो है सबके सम्राट थे, वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। और एक दिन शौरी से, जो उनका भाई था शौरी, जिसको एक राज्य दिया हुआ था, उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, क्या कहा कि राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में ये सारी पृथ्वी रहती है उसी के वश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। रह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के जो लोग हैं वो भी कर्म से राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बना करके अपने बाप दादों के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। तो राजा ने कहा कि हमारे भाई जो ज्येष्ठ भाई हैं वो राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं। तो वो विश्ववेदी कहता है मंत्री शौरी का कि राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा। विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। संघ का प्रभाव चढ़ गया मंत्रणा का। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया और फिर शाम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ दिया। एक शाम नीति है, शाम दाम दंड भेद। दाम को कहीं जगह दान भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पुरोहितों की बात आई है, इसलिए दान नीति यहाँ लिखी दाम की बजाय। कि शाम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ दिया, बहुत सा दान दे करके उनको, किसी को वैसे शांति से। फिर वे चारों पुरोहित राजा खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुरस्चरण जो है वो करने लगे अनुष्ठान। और उनके उस आभिचारिक क्रम से चार कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थी। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल वे सभी राजा खनित्र के पास आई। लेकिन राजा कैसे थे, उनका तो वर्णन आया कि राजा साधु पुरुष थे, इसलिए उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गई और लौट करके उन दुष्टात्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। और कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट उस मंत्री विश्ववेदी को भी जला करके भस्म कर दिया। तो इस प्रकार उनके दुष्कृत्य का उनको फल मिल गया।
तो इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, सब आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में, अलग अलग नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय में नष्ट हो गए। महाराज खनित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जल करके भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा कि ये क्या बात हो गई। महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब जो है उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ जी ने सब वृतांत जो है ठीक ठीक बता दिया। ओ शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी, और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया था तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि जी ने निवेदन की। ये सब समाचार सुनकर के महाराज खनित्र ने कहा कि मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण चार ब्राह्मणों की हत्या हो गई। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, तो उस दशा में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए दुष्ट वे नहीं, मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूं। ये सज्जनता है, दूसरे के दोष को भी अपने सिर ले लेना। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके तीनों पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। साधु पुरुष ऐसे ही होते हैं, वो दूसरों के दोष को नहीं देखते, दूसरों में नहीं देखते दोष को, अपने में देखते हैं। अबे मेरा क्या दोष है, मेरे कारण ये हुआ, अपने को कारण मान करके ऐसे साधु पुरुष, मतलब उनका कृत्य क्या कर सकती थी। तो इसलिए वन में जाकर के उन्होंने 350 वर्षों तक घोर तपस्या की, और तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोक करके बनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए, अर्थात परलोक सिधार लिया, सुधर गया, अनंत पुण्यशाली लोकों में गए। और ऐसे लोकों में जहां पुण्य अक्षय होता है, घटता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता, हमेशा उसका फल भोगा जाता है, शुभ फल। तो उनकी तीनों पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग करके उन्हीं लोकों में चली गई। तो ये जो राजा खनित्र का चरित्र है, ये सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट कर देने वाला है। और इसके बाद जो है क्षुप का चरित्र आएगा, विशिंस खनी नेत्र करंधम अविक्षित तथा मरुत के और भी चरित्र हैं, तो वो सब जो है आगे की कथा का विषय रहेंगे। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडी पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।